बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर की आज मैरिज एनिवर्सरी है। इस बार वे शादी की 36वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। छक्कास एक्टर अनिल जहां आज भी फिट एंड फाइन हैं, तो वहीं वैसे के वैसे रोमांटिक भी हैं। वे एक परफेक्ट हबी भी हैं, लेकिन आज हम अनिल कपूर नहीं बल्कि उनकी बीवी सुनीता कपूर के बारे में आपको बताएंगे। ये परफेक्ट बीवी अनिल को कैसे मिली, तो चलिए आपको सुनीता की लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो कौन है। नई दिल्ली के पंजाबी खत्री परिवार में पैदा हुई सुनीता एक फेमस मॉडल रह चुकी हैं। वहीं सुनीता ने लोफर और जुदाई जैसी हिंदी फिल्मों में स्पेशल अपेयरेंस भी दी है। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अफसर रह चुके हैं और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम कविता है, जिसे आप देख कर कहेंगी भाई ये तो बिल्कुल ही सोनम जैसी दिखती है। सुनीता कपूर की तरह उनकी बहन भी लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती है। पर्दे के पीछे रहने वाली सुनीता ने अनिल और बच्चों को बखूबी संभाला। वे मॉडल तो रह चुकी हैं, साथ ही में एक ज्वेलरी डिजाइनर भी। साल 2006 में उन्होंने मुंबई में खुद का ज्वेल लॉन्च किया था। सुनीता एक फैशन स्टाइलिस्ट है और उनके स्टाइलिस्ट होने का प्रूफ उनकी बेटी सोनम कपूर है। लेकिन अनिल और बच्चों के लिए सुनीता ने मॉडलिंग की राह छोड़ दी थी। सुनीता पति अनिल को शुतुरमुर्ग बुलाती है। जी हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि अनिल मौके से अपना मुंह चुराते हैं और ये समझते हैं कि सब ठीक है। अनिल कपूर और सुनीता ने शादी से पहले एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने बताया, मुझे सबसे पहले उसकी आवाज से प्यार हुआ था। मैं सोचता था हे भगवान कितनी खूबसूरत आवाज है यार, क्या इंग्लिश बोलती है। पहली बार उससे राज कपूर के घर में मुलाकात हुई थी। अनिल कपूर की माने तो सुनीता उन हाउसवाइफ्स में से नहीं है जो पति के काम पर जाने के बाद घर पर रहकर बच्चों की जिम्मेदारी संभालती। वे कहते हैं एक बैंकर की बेटी होने के बावजूद उसने हमेशा खुद को सपोर्ट किया, कभी भी अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लिया। इसके लिए मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। सुनीता ने कहा था, जब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में आऊंगी, कोई गहना या ज्वेलरी नहीं होगी, सिर्फ एक सलवार कमीज या साड़ी, बस बाकी हम खुद अपने लिए बनाएंगे। बता दें कि सुनीता की बेस्ट फ्रेंड श्रीदेवी यानी कि उनकी जेठानी से उनका बहुत प्यार था, लेकिन अब श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अपने समय में एक सफल मॉडल रही सुनीता ने एक खूबसूरत घर बनाने के लिए शादी के बाद अपना करियर छोड़ दिया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।